ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 4 में ऑनलाइन के माध्यम से गणित और इंग्लिश का अध्ययन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। हम 2-3 दिन से प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, उसकी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी, उसका प्रयोग मैंने आपको समझाया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद में हम इसके प्रकारों को पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पर्सन वाचक, यानी जब हम किसी से कुछ पर्सन पूछते हैं तो ऐसा सर्वनाम यानी ऐसा प्रोनाउन जो कोई पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे परिभाषा लिखी मैंने यहाँ पे, जिस प्रोनाउन का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी हम किसी से कोई किसी के बारे में पता कर रहे हैं या पूछ रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ड यानी जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ये मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा व्हाट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है। तो इसके अंदर पर्सन पूछने के लिए किस शब्द का यूज किया गया है, वो है व्हाट, WHAT व्हाट यानी क्या, आपका नाम क्या है। तो ये WHAT व्हाट जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ, HOW हाउ, OLD ऑल, हाउ ऑल आर यू। दूसरे पर्सन मैंने आपसे पूछा हाउ ऑल आर यू यानी तुम कितने साल के हो, तुम कितने साल के हो। अब इस पर्सन देखिए हाउ ओल्ड आर यू, इसके अंदर पूछने के लिए क्या यूज किया गया, कितने, उम्र पूछी जा रही है आपकी, क्या कितने साल के हो। तो कितने के जो वर्ड है वो क्या है, HOW हाउ। तो ये HOW जो हाउ है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अन्य उदाहरण, व्हेन डू यू, व्हेन डू यू गो टू स्कूल यानी तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। तो इसके अंदर जो पर्सन पूछा जा रहा है वो है कब, कब यानी WHEN when, यानी जो आपसे पर्सन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, when do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो। फिर अन्य उदाहरण, WHO who are you, who are you, इसको हम कहते हैं तुम कौन हो, किसी के बारे में पूछा जा रहा है तुम कौन हो। तो इसके अंदर पर्सन पूछने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हु का यानी कौन का। तो WHO who are you। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसके अंदर पूछे जाने वाले शब्द से पर्सन पूछा जाता है वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
जैसे मैंने अभी आपके सामने चार एग्जांपल बताए, पहला आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या पूछा जा रहा है आपका नाम पूछा जा रहा है क्या है, तो डब्ल्यू व्हाट हो गया इसके अंदर आपका। इसमें हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो क्या पूछे जा रहा है आपकी उम्र पूछी जा रही है कितने साल के हो, कितने यानी हाउ, एच ओ डब्ल्यू। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो स्कूल कब जा रहे हो, कब आपसे पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, तो डब्ल्यू एच ई एन व्हेन। फिर तुम कौन हो, हु आर यू, और हु इसके अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसी प्रकार से जिस वाक्य के द्वारा आपको प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इसके बारे में आपको परिभाषा लिखनी है, ये एग्जाम्पल नोट करने और इसको करने का अभ्यास करना है। अब गणित में हम भिन्न के सवाल कर रहे थे, कल हमने भिन्न की जोड़ या घटाव की थी जिसके हर समान थे, आज हम कर रहे हैं जिसके हर असमान हो, जिसके हर असमान हो तो उनको किस प्रकार हल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सवाल है 3/4 प्लस 2/5, इनको आपको प्लस करना है, लेकिन इसमें हर देखिए अलग अलग है 4 और 5। तो इसमें आपको मैं एक सबसे सरल तरीका बता रहा हूं करने का कि जब हर असमान हो तो हम क्या करेंगे, नीचे जो हर संख्या दे रखी है 4 और 5 इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 × 5, क्या लिख दिया 4 × 5, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी तिरछी गुणा करेंगे। जैसे एक बार मैं आपका समझाने के लिए प्रश्न लिख रहा हूँ वापस, 3/4 + 2/5, पहले तो हमने हर संख्या को ले लिया, इन दोनों की गुणा कर दी। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इनकी तिरछी गुणा करनी है बाएं से दाएं। तो यहां पर तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 और 5, तो यहां लिख दिया मैंने 3 × 5, फिर प्लस का चिन्ह। अब इस प्रकार से तिरछी गुणा करनी है ऊपर से नीचे की ओर, तो 2 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 × 2। आया समझ में आपको, वापस देख लीजिए एक बार, हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों हर संख्याओं के आपस में गुणा, तो नीचे 4 और 5 है, तो मैंने यहां लिख दिया 4 × 5, क्या लिख दिया 4 × 5। फिर आपको क्या करनी है, तिरछी गुणा करनी है ऐसे ऊपर से नीचे की ओर और फिर ऊपर से नीचे की, इस प्रकार दोनों तरफ से तिरछी गुणा करनी है। तो यहां 3 को करेंगे हम 5 से, तो 3 × 5, इधर करेंगे 2 को 4 से, तो 4 × 2। अब गुणा कर दीजिए 3 को 5 से, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 5 बार, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 12, 3 × 5 = 15, कितना आया 3×5 = 15। फिर प्लस, फिर 4 को 2 से गुणा करनी है, 4 × 4, 4 × 2 = 8, बट्टा 4 को फिर नीचे हर संख्या को गुणा करनी है 4 को 5 से, तो 4 × 4, 4 × 8, 4 × 16, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, ये आ गया 20। अब इनकी जोड़ कर दीजिए, 15 में 8 जोड़ना है, तो 15 के अंदर 8 जोड़ना है, 15 × 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना आया 23, और यहाँ नीचे हर हो गया आपका 20। अब ये दोनों किसी पाड़े से भाज्य नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम असमान भिन्नों को बिना लघुतम किए एक सरल तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण करते हैं हम, 7/5 − 3/2, इसमें भी देखिए हर असमान है, तरीका सेम टू सेम वही रखना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों तो हर संख्या दे रखी है नीचे 5 और 2, इन दोनों की गुणा कर देंगे 5 × 2 हो गया। अब आपको तिरछी गुणा करनी है, क्या करनी है, यानी बाएं से दाएं और चलना है ऊपर से नीचे की ओर, तो 7 को 2 से गुणा कर देंगे 7 × 2, फिर माइनस का चिन्ह। फिर इसी प्रकार उल्टा आना है, इधर से
दाएं से बाएं की तरफ आना, ऊपर से नीचे, तीन को पांच से गुना कर देंगे, तो तीन इंटू पांच अब गुना कीजिए, सात को दो से करेंगे तो सात एकम सात, सात दूनी चौदह, माइनस तीन को पांच से करेंगे, तीन पंजे पंद्रह, और ये हो गया पांच दूनी दस। अब आपको करनी है कैसा, अब देखिए यहां पे आपका जो पंद्रह है वो माइनस का है बड़ा, प्लस की संख्या है छोटी, तो माइनस के पंद्रह में से प्लस के चौदह घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा एक, और वो एक किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, और दस अपने स्थान पर आ जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिना लघुत्तम निकाले असमान संख्याओं का जोड़ या घटाव कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दो सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, जिसका समय अपने घर पर बैठ के अभ्यास कीजिए। पहला है पांच बट्टा सात प्लस तीन बट्टा दो, और दूसरा है दस बट्टे सात माइनस एक बट्टा दो। इन सवालों को समय अपने आप हल कीजिए, समझिए और बार बार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।